नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। आज का जो वीडियो होने वाला है ये उत्तराखंड भूगोल ज्योग्राफी का अगला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जिस पे हम बात करने वाले हैं यमुना नदी तंत्र के बारे में। यानी कि यमुना नदी तंत्र या यमुना रिवर सिस्टम आज हम चर्चा करेंगे इसके बारे में। यमुना रिवर सिस्टम से जो प्रश्न आपके बनते हैं, मुख्य रूप से बनते हैं दो प्रकार के क्वेश्चन। एक बनते हैं इसकी सहायक नदियों के संबंध में जो ट्रिब्यूटरीज हैं, और जो दूसरा बनता है, दूसरा प्रश्न बनेगा जो इस पर जल विद्युत परियोजनाएं हैं इनसे संबंधित प्रश्न इससे बनते हैं। तो जो जल विद्युत परियोजना वाले प्रश्न हैं ये करेंगे हम ट्रिक की हेल्प से, जितनी भी परियोजनाएं हैं लगभग ट्रिक की हेल्प से ये हो जाएगी। और सामान्यतः दो ही प्रकार के क्वेश्चन इससे देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो नदी तंत्र की हम बात करेंगे तो उत्तराखंड में नदी तंत्र को पढ़ेंगे हम, चार पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम बात आज तो यमुना रिवर सिस्टम की बात करेंगे, लेकिन जो उत्तराखंड का जो नदी तंत्र है, एक गंगा नदी तंत्र, इसको हम चार भागों में पढ़ेंगे। गंगा नदी तंत्र पढ़ेंगे, इस गंगा नदी तंत्र को हम दो भागों में बांटेंगे। एक पढ़ेंगे हम भागीरथी नदी तंत्र, और दूसरा भाग पढ़ा जाएगा इसमें अलकनंदा रिवर सिस्टम। इसी अलकनंदा रिवर सिस्टम में हम मंदाकिनी को कवर करेंगे, ठीक है। और तीसरा पार्ट पढ़ेंगे हम काली नदी तंत्र, और इसके बाद का जो पार्ट पढ़ेंगे ये मिसलिनियस हो जाएगा। तो इस तरीके से उत्तराखंड में नदी तंत्र को पढ़ा जाएगा। और आज की बात करेंगे हम तो आज पढ़ेंगे यमुना रिवर सिस्टम, यानी कि यमुना नदी तंत्र। तो आइए स्टार्ट करते हैं यमुना नदी तंत्र को। यमुना नदी तंत्र, दोस्तों यमुना रिवर सिस्टम की हम जहां तक बात करेंगे तो यमुना के उद्गम होने से लेकर के अंतिम छोर में, यानी कि यमुना का उद्गम होता है यमुनोत्री ग्लेशियर से, और यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना गंगा जी में मिलती है इलाहाबाद में, प्रयागराज में मिल जाएगी गंगा में। तो इस यमुना रिवर सिस्टम को हम बांटेंगे दो भाग में। एक भाग है इसके उद्गम से लेकर के उत्तराखंड के अंतिम छोर, यानी कि ढालीपुर से ये उत्तर प्रदेश पे विभाजित हो जाती है, उत्तर प्रदेश में एंटर करती है। तो आज का जो हम पार्ट पढ़ेंगे कि उत्तराखंड में जो यमुना जी है और जो इनकी ट्रिब्यूटरीज है और जो इस पे जल विद्युत परियोजना है, और दूसरा पार्ट हम पढ़ेंगे उत्तराखंड के एंड पॉइंट से, जहाँ से ये यूपी में एंटर करती है, उसके बाद दिल्ली हो गया, यहाँ से हम देखेंगे अंतिम छोर तक। तो आज स्टार्ट करेंगे हम ढालीपुर तक, यानी कि उत्तराखंड में यमुना की स्थिति और यमुना की ट्रिब्यूटरी। सबसे पहली बात करते हैं उद्गम की। तो यमुना का उद्गम होता है उत्तरकाशी जिले के में एक जगह है बंदरपूंछ। ये बंदरपूंछ पर्वत श्रेणी है जिसकी ऊंचाई है 6320 मीटर। 6320 मीटर, क्योंकि कई बार पर्वत चोटियों के बारे में भी पूछ देता है। तो जो ये बंदरपूंछ पर्वत श्रेणी है, इस बंदरपूंछ पर्वत श्रेणी पे लगा हुआ एक ग्लेशियर है जिसको कहते हैं हम यमुनोत्री ग्लेशियर। इस यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना नदी का उद्गम होता है और यमुना जी आगे बढ़ती है। और आज के जो चैप्टर में हम पढ़ेंगे ये ढालीपुर तक पढ़ेंगे। यमुना की लंबाई की बात करेंगे तो 1384 किलोमीटर कुल लंबाई है, और उत्तराखंड में इसकी लंबाई है 136 किलोमीटर। तो आज हम बात करेंगे 136 किलोमीटर की। उद्गम होता है यमुनोत्री ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है। कुछ लोग इसका उद्गम मानते हैं चंपासर ग्लेशियर, और कुछ लोग कहते हैं बंदरपूंछ ग्लेशियर। जो ये बंदरपूंछ पर्वत श्रेणी है,
इसी बंदरपूंछ पर्वत श्रेणी से जो ग्लेशियर लगता है, इस ग्लेशियर का नाम बंदरपूंछ ग्लेशियर है और इसी से जो ग्लेशियर लगता है ये यमुनोत्री ग्लेशियर है और कुछ लोग उसको चंपासर के नाम से भी जानते हैं। ठीक, तो आपके ऑप्शन में अगर यमुनोत्री ग्लेशियर है तो यमुनोत्री ग्लेशियर इसका करेक्ट आंसर है, अगर वो नहीं है तो बंदरपूंछ ग्लेशियर है, और अगर वो भी नहीं है तो चंपासर ग्लेशियर, यानी कि तीनों में से एक ना एक आपको मिल जाएगा। तो यमुनोत्री ग्लेशियर से हम इसका उद्गम मानते हैं। यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना का उद्गम होता है और यमुना में मिलती हैं अनेक सहायक नदियाँ। तो यमुना की सहायक नदियों की बात करेंगे तो यमुना थोड़ा सा आगे बढ़ेगी तो यहाँ पर एक जगह पड़ती है यमुनोत्री, जो हमारे चार धामों में से प्रसिद्ध धाम है। ठीक, इससे जस्ट पहले इसमें मिलेगी ऋषि गंगा। ऋषि गंगा, इसको पहले बता दो, बंदरपूंछ ग्लेशियर से एक नदी निकलेगी, इसी से एक छोटी सी नदी निकलती है ऋषि गंगा, इसका नाम है ऋषि गंगा, और ये मिलती है जानकी चट्टी। एक जगह पड़ती है जानकी चट्टी, यहाँ पर मिलती है ऋषि गंगा। फिर आगे इसमें मिलती है एक और गंगा जिसका नाम है हनुमान गंगा, हनुमान गंगा। जो ये हनुमान गंगा मिलती है ये मिलती है हनुमान चट्टी पे, और जहाँ तक हनुमान चट्टी की बात है अलकनंदा रिवर सिस्टम में भी हम एक हनुमान चट्टी देखेंगे एक जगह पे। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और कालसी में पहुंचते हैं, और कालसी में मिलती है यमुना की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी जिसका नाम है टोंस। टोंस की जो लंबाई है, टोंस की लंबाई है 148 किलोमीटर और ये यमुना जी की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है। इसका उद्गम होता है यहाँ पर इसी बंदरपूंछ श्रेणी के उत्तर में एक पर्वत श्रृंखला है स्वर्गारोहणी, स्वर्गारोहणी पर्वत श्रेणी है, और इस स्वर्गारोहणी से एक नदी निकलती है जिसका नाम है सुपिन, इसका नाम है सुपिन, और यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के एक जगह पड़ती है डाबरा क्वार, इस डाबरा क्वार से एक नदी निकलती है जिसका नाम है रुपिन। ठीक, सौ से सुपिन स्वर्गारोहणी, ठीक है, यहाँ भी सौ है, स्वर्गारोहणी में भी सौ है, सुपिन में भी सौ है, तो सुपिन निकलेगी स्वर्गारोहणी से और रुपिन निकलेगी हिमाचल के डाबरा क्वार से, और एक जगह पड़ती है यहाँ पे नटवार। यहाँ पर ये दोनों जो है ये दोनों नदियाँ मिल जाती हैं और इसी से आगे इसका नाम पड़ता है टोंस। टोंस नदी आगे बढ़ती है और एक स्थान आता है यहाँ पर त्यूणी, त्यूणी, त्यूणी में मिलती है, इसमें एक नदी आती है यही हिमाचल से जिसको पव्वर नदी के नाम से जाना जाता है, पव्वर नदी, या कहीं पर इसको पावर या अनेक नामों से जाना जाता है, पवार पव्वर। ठीक, इसमें काफ़ी वेग के साथ जो है इसकी ट्रिब्यूटरी है और ये मिलती है त्यूणी में। इसके बाद इसमें हम देखेंगे डैम वगैरह, ये इसके बाद देखते हैं, पहले इसको कंप्लीट करते हैं, और ये मिलती है कालसी में, कालसी में मिलेगी इसमें टोंस नदी। फिर कालसी से आगे बढ़ेंगे लखवाड़ और यहाँ पे डाक पत्थर, डाक पत्थर से थोड़ा सा आगे हम देखेंगे तो यमुना में एक इसके पैरेलल बिल्कुल शक्ति नहर बनाई गई है, शक्ति नहर। ठीक, इसी शक्ति नहर पर हम अनेक परियोजनाएं देखेंगे, और आगे जब ये शक्ति नहर मिल जाएगी सीधे ढालीपुर में चली जाएगी, ठीक, ढालीपुर के बाद ये पहुंच जाएगी यूपी में, फिर इसमें देखेंगे हम यमुना में एक दो और नदियां मिलेंगी, और एक जगह है खड़ा पत्थर, खड़ा पत्थर से निकलेगी गिरी गंगा, खड़ा पत्थर, खड़ा पत्थर से निकलेगी गिरी गंगा, और गिरी गंगा मिल जाएगी आपका बरोटी के पास,
एक जगह पड़ेगी बरोटी के पास, एग्जैक्टली जगह तो है नहीं वहाँ पे, लेकिन बरोटी के पास इस पे गिरी गंगा मिल जाएगी। और एक निकलेगी आपकी जो है बाटा नदी, एक निकलेगी बाटा नदी, और ये भी पौंटा साहिब के आसपास जो है इस पे मिल जाएगी। और इसके बाद यमुना अपनी सारी सहायक नदियों से, नदियों को लेते हुए उत्तराखंड की बाउंड्री से बाहर जो है यूपी में एंटर कर जाएगी, ढालीपुर नामक जगह से ये चली जाएगी यूपी में। एक और रह गए यहाँ से आसन, आज देहरादून में, देहरादून के आशारोही पर्वत श्रृंखला से, आशारोही पर्वत श्रृंखला से एक नदी निकलती है आसन, और ये मिल जाती है यमुना में। ठीक, तो इस प्रकार से ये यमुना नदी तंत्र है, और यमुना नदी तंत्र और इसकी सहायक नदियां हैं। इसके बाद अगला पार्ट हम इसमें देखेंगे जो यमुना नदी रिवर सिस्टम से जो जल विद्युत परियोजनाएं हैं और जो फैक्ट इससे बनते हैं ट्रिक के माध्यम से, हम इसको देखेंगे। ये हमारे यहाँ से यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना नदी निकली, और ये हमारा जो है एचपी से, डाबरा क्वार से रुपिन, इधर से सुपिन, और ये जो है कालसी में टोंस के नाम से मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं टोंस पर कौन कौन सी जल विद्युत परियोजनाएं हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे एक जल विद्युत परियोजना है, ये है आपका किसाऊ डैम। किसाऊ डैम, ठीक। फिर इससे आगे देखेंगे तो एक और डैम यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा, इचारी डैम। ठीक, इस इचारी डैम को जो बनता है ये दो पार्ट में बनता है, एक पार्ट है इसका छिबरू और दूसरा भाग है इसका खुदरी। ये चार परियोजनाएं हैं टोंस नदी पर। अब हम इसको याद कैसे करेंगे, ठीक। तो इसको जो याद करने की जो ट्रिक है आपकी, जो ट्रिक है, सबसे पहले हम लेंगे इचारी को। इचारी, देखो इचारी को, इच का मतलब, इचिंग जानते होंगे आप, इच का मतलब क्या होता है, इच का मतलब होता है खाज या खुजली। तो एक स्टोरी से कनेक्ट करते हैं, मान के चलते हैं कि किसी को जो है इचिंग हो गई, ठीक। इचिंग होने का मतलब क्या हो गया, खाज हो गया, यानी कि वो खुजाएगा, इससे हम निकालेंगे खुदरी। और जब उसको इचिंग से इरिटेट होगा तो बोलेगा यार कि छी यार मैं कैसी परेशानी से जूझ रहा हूँ, छी छी करेगा, तो यहाँ से हो जाएगा छिबरू, और बार बार बोलेगा छी यार ये कैसी परियोजना, किस कैसे किस, तो ये हो जाएगा किसाऊ, है ना, किस चीज से मुझे ये इचिंग हो रही है, किस चीज से इचिंग हो रही है, तो किस चीज से, किसाऊ छी छी करेगा यार छी कैसी समस्या है, ये हो जाएगा छिबरो। इच से तो पता ही है आपको इचारी, और होगी जब इचारी तो खाज या खुदली, खुदरी, ठीक। तो इस तरीके से हम इसको याद करेंगे, एक बार आप देख लीजिए इसको कि कैसे कैसे आपको याद करना है। सबसे पहले आपको जो है इचिंग से इसको कनेक्ट करना है, इच से कनेक्ट करोगे तो खाज या खोज या खुजली हो जाएगी आपका खोदरी, किस बीमारी से हुआ, किस चीज़ से हुआ, इससे किसाऊ बन जाएगा आपको, और इससे जो परेशानी होगी उससे आपको छींची छींची जो भी होगा उससे आपका छिबरू बन जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको याद करेंगे। अब हम देखते हैं और भी जो इसमें टॉस के अलावा जो यमुना पर बाकी रिवर सिस्टम है वो हम देखेंगे, यमुना पे जो बाकी परियोजनाएं हैं वो देखेंगे। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर कालसी से आगे एक शक्ति नहर निकाली गई है, और इस शक्ति नहर पर तमाम तरीके की परियोजनाएं हैं। इसके लिए जो ट्रिक है आपकी, ये है आपका क ख ड और ढ।
कौशे हो जाएगा आपका कुल्हाल, खौशे हो जाएगा आपका खारा, ये पे लिख देता हूँ कुल्हाल खारा, ये हो जाएगा आपका डकरानी, डकरानी, और ये हो जाएगा ढालीपुर, ढालीपुर। उसके बाद आसन बैराज तो आप जानते ही हैं, आसन बैराज के लिए मुझे स्पेशली कोई बताने की ज़रूरत नहीं है। जो ये आसन बैराज है, आसन बैराज से जो ये झील निर्मित होती है वही झील है ये ढालीपुर की, ठीक है। जो आसन बैराज बनने से जो यहाँ पर झील निर्मित होती है इसी को हम कहते हैं ढालीपुर झील। और जो आसन बैराज है यह यहीं पर बनेगा आसन बैराज, और जो आसन बैराज है आसन की शुरुआत होती है 1967 में, जो आसन बैराज है इसकी शुरुआत होती है 1967 में, और यहीं पर जो है आसन जो है कंजर्वेशन बनाया गया है जो पक्षियों के लिए, विदेशी पक्षियों के लिए बहुत प्रसिद्ध है, ठीक। तो इस प्रकार से ये यमुना रिवर सिस्टम था, और यमुना रिवर सिस्टम पर जो जल विद्युत परियोजनाएं हैं या जो प्रश्न इससे बनते हैं वो इससे संबंधित था। अब इसके बाद देखते हैं इसमें कुछ फैक्ट रह जाते हैं, और हालांकि एग्ज़ाम में कुछ इस तरीके के फैक्ट हमें देखने को मिले नहीं, फिर भी हम उसको देख लेते हैं कि क्या क्या फैक्ट इसमें रहते हैं। यमुना नदी की हम बात करेंगे तो जो ये यमुना नदी है, यमुना नदी का जो जिक्र हमें देखने को मिलता है, इसका जिक्र हमें वेदों की बात करेंगे तो ऋग्वेद और अथर्ववेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद, इन दो वेदों में इसकी जानकारी हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा महाभारत में हमें इसकी जानकारी मिलती है, और महाभारत के भी वन पर्व से हमें इसकी जानकारी देखने को मिलती है। महाभारत के वन पर्व में इसको बोला गया है कालिंदी, महाभारत के वन पर्व में इसको कालिंदी बोला गया है। यमुना की बात करेंगे और तो यमुना के किनारे जो मंदिर है प्रसिद्ध हमारे चार धाम का, यमुनोत्री मंदिर, तो यमुनोत्री मंदिर का जो निर्माण करवाया ये करवाया प्रताप शाह ने, और बाद में इसकी जो पुनरुद्धार कराया वो कराया रानी गुलेरिया ने। इसके बाद और इससे जो फैक्ट बनते हैं, यमुनोत्री का जो पट खुलता है ये खुलता है अक्षय तृतीया को, अक्षय तृतीया को इसका पट खुलता है और दिवाली के अगले दिन बंद हो जाता है। ये कुछ फैक्ट हैं इसके जो जो इससे बनेंगे, ठीक। टोंस नदी की हम बात करेंगे तो टोंस नदी को एक और नाम से जाना जाता है जिसको तमसा कहा जाता है, और महाभारत में भी इसका उल्लेख हमें देखने को मिलता है। ये कुछ फैक्ट थे जो यमुना नदी तंत्र से थे, यमुना रिवर सिस्टम से। आपका जो नदी तंत्र था, इसकी जो ट्रिब्यूटरीज थी, इस पर जो जल विद्युत परियोजनाएं थी, और इससे जो मोटा मोटे जो फैक्ट आपके बनते हैं ये आपका यमुना रिवर सिस्टम से था। अगला पार्ट हम इसका देखेंगे ढालीपुर से, लास्ट में यूपी में जहाँ जहाँ भी जाएगी, अंतिम जहाँ मिलेगी ये लास्ट वाला इसका दूसरा पार्ट हम देखेंगे। तो इसी तरीके से उत्तराखंड से संबंधित अपडेट्स के लिए, जीके जीएस के लिए, ट्रिक्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, और ये सीरीज आपकी इसी प्रकार चलती रहेगी। यूके ट्रिपल एससी और यूके पीएससी के जो पैटर्न पे आधारित है, अभी हम वो भी लेके आएंगे जो इसमें गढ़वाली और कुमाऊनी शब्दावली है, धीरे धीरे उसको तैयार किया जाएगा। तो तब तक के लिए आप अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।